दुनिया की जो नजरें हैं वो है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। तो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका ये जो 14 तारीख को मैच खेला जाएगा इस पर सबकी नजर रहेगी। अगर पाकिस्तान हार गया तो फिर ये एशिया कप का फाइनल होगा इंडिया वर्सेस श्रीलंका, लेकिन अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होना है तो फिर पाकिस्तान को श्रीलंका को इन कंडीशंस में हराना होगा। पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा ये चैलेंज होगा क्योंकि टीम। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कल के मैच में इंडिया टीम तो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और अब पाकिस्तान का फाइनल के लिए क्वालिफाई करने का क्या सिनेरियो है, तो इसको लेकर विक्रांत गुप्ता सर का रिएक्शन वीडियो आया है। तो वीडियो दिखाने से पहले चंद चीजें आपको बताता चलूं कि कल इंडिया और श्रीलंका के दरमियान होने वाले मैच में पाकिस्तानी लोग इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। इंडिया टीम अच्छा खेलती तो पाकिस्तानी खुश होते और अगर इंडिया टीम बुरा खेलती तो पाकिस्तानी का मुंह लटक जाता। और इसके पीछे कारण यह है कि पाकिस्तान टीम इंडिया से बड़ी बुरी तरह से हारी थी, जिससे पाकिस्तान के रन रेट पर काफी बुरा असर पड़ा। और अगर कल के मैच में इंडिया टीम श्रीलंका से हार जाती तो भारतीयों का मुंह तो लटकना ही था, लेकिन साथ ही में पाकिस्तानी के भी सांसें रुक जाती, क्योंकि भैया इसके पीछे का कारण भी बहुत बड़ा है। अगर कल श्रीलंका टीम इंडिया से जीत जाती तो पाकिस्तान को फाइनल में घुसने के लिए श्रीलंका को 200-250 रन से हराना पड़ता, जो कि उनके होम ग्राउंड में मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता। विक्रांत गुप्ता सर का इसको लेकर क्या रिएक्शन है वो वीडियो दिखाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी मजेदार और जानदार वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। तो बिना देर के रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडियन फैंस आज बड़े कम दिख रहे हैं, आज एक्चुअली इंडियन फैंस बड़े कम है। शायद सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के बाद अब वो ये उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान ही आमने सामने दोबारा फाइनल में होगा। लेकिन अब मदन जी, जैसे मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था, इंडिया पाकिस्तान फाइनल पर तो अब सवालिया निशान है। जिस तरह श्रीलंका आज खेला है, जिस तरह उन्होंने बॉल डाला है, आई वॉन्ट बी सरप्राइज कि श्रीलंका पाकिस्तान को भी हरा दे। हाँ, और फिर वो ही फाइनल में आए। देखिए, ये मुमकिन है, ऐसे नहीं है जैसे वो क्रिकेट खेल रहे हैं जैसे मैंने कहा, पर ये है कि आप देखेंगे कि पाकिस्तान भी अपनी गेम को रेज करेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे वो कल मैच हारे, हमने हमेशा देखा है कि जब टीम ऐसा बड़ा मैच कहीं हारती है तो अपनी गेम को वो रेज भी करती है। आप उनके दो बॉलर भी इंजर्ड पड़े हैं, बैटिंग उनकी अंडर प्रेशर इतने ज़्यादा चली भी नहीं है, अब वो कैसे पाकिस्तान अपने आप को मैनेज करता है ये देखने वाली बात है। क्योंकि उनके जो कैप्टन है, उनके रन बनाना और ऊपर फकर के रन बनाना भी बड़े जरूरी है, क्योंकि रन नहीं बना रहे, फकर रन नहीं लग रहे। बट डेफिनेटली श्रीलंका जो है एक अच्छा यूनिट लगा है, अच्छा उन्होंने फाइट किया है, तो पूरे चांसेस है श्रीलंका के भी फाइनल पहुंचने के। ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ही फाइनल में पहुंचेगा, पर श्रीलंका डेफिनेटली उनको उनकी परसेंटेज मैं समझता हूं कि थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। पर सिर्फ दो हफ्ते पीछे जाए, दो हफ्ते भी नहीं, 10 दिन पीछे जाए, 2 सितंबर जो इंडिया और पाकिस्तान का पहला मुकाबला था जहाँ इंडिया की 4 विकेट जल्दी गिर गई थी, उस दिन तो ये लग रहा था कि भाई क्या होगा। बैट्समैन थोड़े रस्टी दिख रहे थे, लेकिन जो सिल्वर लाइनिंग उस दिन भारत को दिखी, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या की वो पार्टनरशिप, शायद वो मोमेंटम भारत को वहां से मिला। पाकिस्तान को हराया, जिस तरह से ये श्रीलंका को श्रीलंका में हराया, मेरा ये मानना है कि प्रेमदास स्टेडियम में श्रीलंका को हराना ये बड़ी कामयाबी है। फाइनल में तो इंडिया पहुंच गया, अब बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया का आखिरी मुकाबला, लेकिन सारी दुनिया की जो नजरें हैं वो है पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका। तो पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका ये जो 14 तारीख को मैच खेला जाएगा उस पर सबकी नजर रहेगी। अगर पाकिस्तान हार गया तो फिर ये एशिया कप का फाइनल होगा इंडिया वर्सेज श्रीलंका, लेकिन अगर इंडिया वर्सेज पाकिस्तान होना है तो फिर पाकिस्तान को श्रीलंका को इन कंडीशंस में हराना होगा। पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा ये चैलेंज होगा क्योंकि टीम अच्छी है, 2 तेज गेंदबाज उनके चोटिल हैं। अब सवाल यही है कि बाबर आजम अपनी टीम को किस तरह से इकट्ठा करते हैं।